तो ये है माइनक्राफ्ट 1.20 का सबसे इजीएस्ट आयरन फार्म। तो चलो मैं आपको इसको बनाना सिखाता हूँ, और ये बनाना काफ़ी आसान है, आपको ज़्यादा सामान भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको एक 5x5 एरिया देख लेना है, और उसे 7 ब्लॉक डिग कर लेना है, जैसे कि मैंने करके रखा है। तो ये 5x5 और 7 ब्लॉक डिग है। उसके बाद आपको नीचे आके 2 ब्लॉक की हाइट के एक ब्लॉक का एरिया क्लियर करना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। एक ब्लॉक के एरिया क्लियर करना है 2 ब्लॉक हाइट के, ताकि आप इजीली इसमें 20 बेड को प्लेस कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा आपका। तो इसके बाद आपको यहाँ पे 20 बेड प्लेस करना है। आप किसी भी तरह बेड को प्लेस कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका ध्यान रखना है कि 20 बेड हो जाए। उसके बाद ये भाग जो खाली एरिया है उसको ब्लॉक कर देना है ब्लॉक से, और फिर इसको ढक देना है जैसे मैं ढक रहा हूँ सॉरी। तो उसके बाद गाइस आपको 20 वर्क स्टेशन चाहिए होगा। आप स्टिचिंग टेबल यूज़ करना, क्योंकि ये बहुत इजीली बन जाता है फ्लिंट और वुड से। तो यहाँ पर आपको 20 वर्क स्टेशन प्लेस करने के बाद आपको 20 विलेजर्स लाना होगा। तो मैं क्रिएटिव में हूँ तो मैं स्पॉन कर देता हूँ। और हाँ, आप यहाँ टॉर्च लगाना मत भूलना, नहीं तो ज़ॉम्बीज इसको मार देंगे। उसके बाद गाइस आपको ये फिल कर देना है। तो आपका फार्म 90% बन चुका है, और आपका फार्म देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। अब आपको ऊपर आके एक ब्लॉक डिग कर लेना है 2 हाइट का, जैसे आप नीचे किया था बेड लगाने के टाइम, बस सेम टू सेम आपको यहाँ भी कर लेना है। तो ये हमारा किलिंग एरिया बनेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ कैट भी स्पॉन हो चुका है। तो चलो फटाफट से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो आपको भी इस तरह से क्लियर कर लेना है, एक ब्लॉक मतलब 2 ब्लॉक के हाइट में एक लाइन एक ब्लॉक। अब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके बाद आपको दोनों कॉर्नर पर आ जाना है, और यहाँ पर आप पानी डालोगे। उससे पहले मैं किलिंग एरिया बना देता हूँ, और ये देख सकते हो हमारा आयरन गोलम भी स्पॉन हो चुका है पहला। तो आपको देख लेना आपको किस साइड पे फ्रंट साइड बनाना है। तो मैं इस साइड पे फ्रंट साइड बनाऊँगा, तो यहाँ पे मैं चेस्ट लगाऊँगा 2। तो आपको यहाँ एक ब्लॉक डिग करना है और 2 चेस्ट लगा देना है, डबल चेस्ट या फिर सिंगल चेस्ट भी लगा सकते हो। अब आपको क्राउच करके यहाँ चेस्ट के साथ एक हॉपर लगाना है, और यहाँ पर एक ब्लॉक नीचे आपको एक स्लैब लगाना होगा। तो ये कैट की वजह से नहीं लग रहा है बस। तो अब आपको चाहिए होगा साइन, तो साइन आपको स्लैब में लगाना है, और ये दाएं तरफ एक बाएं तरफ एक लगाना है। और यहाँ पे हॉपर का एक ब्लॉक देना है, टेम्पोरेरी ब्लॉक। अब आपको यहाँ पे एक फेंस गेट को लगाना होगा, और ये आयरन गोलेम एस्केप कर गया यार, तो कोई बात नहीं, चलो इसको मैं मार दूंगा मैनुअली। और आपको इस फेंस गेट के ऊपर एक साइन लगाना होगा, और यहाँ पे आप इस कोबल स्टोन पर एक बाकेट लावा डाल देना। तो आपका फार्म ऑलरेडी बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बस आपको इस कॉर्नर पर पानी दे देना है, ताकि सारे जो भी यहाँ स्पॉन हो केट या आयरन गोलम वो जाके लावा में टच हो जाए। अब आप ये दोनों बोलो टेम्पोरेरी ब्लॉक को तोड़ देना। तो आपका फार्म एकदम 100% बन चुका है। तो चलो मैं ये गोलम को मार देता हूँ, उसके बाद देखते। तो देखो मैंने बाहर के गोलम को मार दिया, और फिर से नया गोलम स्पॉन हो चुका है। तो गाइस यही था आज के फार्म, ये काफ़ी ईजी है, आप इसे बहुत ईजीली बना सकते हो, और इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी इजी है, आप अपने सर्वाइवल वर्ल्ड पे इसको बना सकते हो। मैंने भी कई बार इसको बनाया है अपना सर्वाइवल वर्ल्ड में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आने वाले टाइम पर और भी सर्वाइवल सीरीज़ की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो बाय बाय।